हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो, मेरा नाम आजाद है, मेरे साथ मेरे नदीम जी। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने पापा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब के कोई भी हरा नहीं सका ऑस्ट्रेलिया को उनके ग्राउंड में ना 22 साल से होम ग्राउंड में। तो वो इंडिया ने हराया है, विराट कोहली वो अश्विन और ये बुमराह वगैरह कोई नहीं थे फिलहाल बड़े मेन प्लेयर की टीम में। तो पाकिस्तानी मीडिया का उस पर रिएक्शन आया कि मतलब क्या सीन है तो क्या नहीं, तो देखते हैं मिल के इस पे इसका रिएक्शन मिल के देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का, फिर हम अपने थॉट्स वगैरह शेयर करेंगे। तो काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। जो लोग कह रहे थे कि 36 रन पर आउट होने वाली टीम को क्लीन स्वीप हो जाएगा, तो उसने भरपूर वार किया, भरपूर जवाब दिया इन ब्रिस्बेन के मैदान में, एक बार फिर तारीख रकम कर दी, 240 से बड़ा टोटल उन्होंने इस ग्राउंड पर चेस किया। आज आप भारत की टीम को कहाँ देखते हैं, हमने देखा कि कितना शानदार टेस्ट मैच वो जीते, बल्कि टेस्ट सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर लिया अभी बताएगा ना। जय हिंद दोस्तों, कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया में चौथा टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया। गाबा टेस्ट को इंडियन टीम ने कुछ इस तरह से अपने नाम किया कि सारी दुनिया भारत और भारतीय टीम की मुरीद हो गई। भारत ने ये आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। कोई शक नहीं, भारत अब टेस्ट चैंपियनशिप टीम टीम ही है ना, पहले नंबर पर इंडिया की। क्रिकेट के पंडित भारतीय टीम की सराहना करते हुए थक नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया को उसी के ही घर में टेस्ट सीरीज हराकर भारत ने टेस्ट क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया है, और टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान फूंक दी है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो भारत की इस युवा टीम को अब तक की सबसे बोल्ड और बहादुर टीम कहा है। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने से पाकिस्तान में धुआं उठना शुरू हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते देखते हैं क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया ने। अगर बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की, तो जो लोग कह रहे थे कि 36 रन पर आउट होने वाली टीम को क्लीन स्वीप हो जाएगा, तो उसने भरपूर वार किया, भरपूर जवाब दिया। इन तमाम तर मौजूदात पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह इंट्रो में मैं बता रहा था भारत के हवाले से, इंडिया के हवाले से, क्या शानदार टेस्ट सीरीज रही उनकी, और ब्रिस्बेन के मैदान में एक बार फिर तारीख रकम कर दी, 240 से बड़ा टोटल उन्होंने इस ग्राउंड पर चेस किया। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, तो शाहिद खान साहब आप क्या कहेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया में अब वो दमखम बाकी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो एशियन टीम से घबराती थी ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, लेकिन अब भारत ने दूसरी बार उन्हें वहाँ सीरीज हराई, ये क्या कहेंगे इस पे? देखिए मोहसिन मेदी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है भारत की टीम में, रवि शास्त्री का जिक्र ना करो, टॉप लेवल के कोच, टॉप लेवल के मेंटर, उन्होंने टीम को जिस तरह खड़ा किया है, बिल्कुल बहुत गंदा रहा है, अनएक्सपेक्टेड उनको रहा है। बिल्कुल जी, टीम जो इंडिया की बहुत जबरदस्त टीम है, ये हरा सकती है, इसमें इतनी स्पिरिट है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना इंडिया की इतनी शानदार कारकर्दगी में, तो उनकी मैनेजमेंट, उनके कप्तान, टीम बिल्कुल जय लोकर खेलती है। लेकिन आज आप भारत की टीम को कहाँ देखते हैं, हमने देखा कि कितना शानदार टेस्ट मैच वो जीते, बल्कि टेस्ट सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर लिया, क्या उनकी डोमेस्टिक का निजाम ऐसा नहीं है जैसा हमारा है? नहीं, उनका भी, उनका निजाम थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है, वो भी रीजन क्रिकेट पे ही खेलते हैं, तो उसके अंदर ये वहाँ पर वो सालों साल से एक रीजन क्रिकेट खेलती है, जिस तरह के दुनिया के दूसरे ममालिक में या वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्नाइज कंट्रीज के अंदर जिस किस्म के वहाँ पे फर्स्ट क्लास लेवल की जो क्रिकेट होती है, उसी तरीके से भारत में भी होती है। वो टैलेंट को प्रमोट करता है ना, आगे लाता है ना नए टैलेंट को। सिलेक्शन कमेटी है वो एक तो बड़ी फेयर है जी, वो जितने भी अच्छे प्लेयर है उनको वो क्या अच्छी तरबियत देते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पास जो अंडर 19 का जो कोच है वो क्या इंडिया का जो फास्ट प्लेयर था क्या राहुल ड्राविड, वो ये कितना अच्छा कोच है अंडर 19 का। यही मैं
यही बात कर रहा हूँ और सारित खान साहब से भी ये पूछना चाहूंगा कि उनके डोमेस्टिक सर्किट में अगर हम देखें तो बड़े जबरदस्त कोचेस, बड़े अपने दौर के बड़े नाम काम कर रहे हैं, तो मिसबाह उलक और वकार यूनिस के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो उनके फ्यूचर को आप कैसा देखते हैं सारित खान साहब? शॉर्ट जवाब दीजिएगा। मिसबाह उलक और वकार यूनिस वकार से ही पहले ये पूछे, फ्यूचर तो उनका कुछ नहीं है, मगर उन्होंने दो साल जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ करा, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ करा, उनसे ये पूछे कौन उनका जवाब दे। ये बहुत गंदा काम करता है वकार, वकार यूनुस मिसबाह उलक दोनों फेल है, दोनों फेल है भाई, आपने ये बात की। सादिक मोहम्मद साहब से भी जानना चाहूंगा कि आप इन दोनों के फ्यूचर को क्या देखते हैं, इनको होना चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ या फिर? मिसबाह तो अभी आया है, वकार यूनुस तो तीन दफा आया है और तीनों दफा फेल हुआ है, फुल भी वो फेल हुआ है, उसके बावजूद उसको हम लेके आ जाते हैं ऐसे फास्ट बॉलर, बदन कैसा बोल्ड है जो उस घटिया इंसान को दोबारा नहीं चाहिए लेके आ जाते हैं। तो आई थिंक के इन लोगों को समझ ही नहीं है कि एक बंदा तीन दफा फेल हो चुका है, बार बार वही उसी को बॉलिंग के कोच बना के ले आते हैं और इधर हुई है वीडियो खत्म। तो यार इसकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे तो गुस्सा आया भाई, सही करके पापा इन पे। उन लोगों ने अपने टीम में इतने बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद उनको हरा दिया है, और हमारी टीम न्यूजीलैंड कहाँ से आ रही, न्यूजीलैंड से जो मतलब नॉर्मल टीम है दुनिया वो से भी आ रही है, वो कुत्तों की तरह आ रही है, आ रही नहीं है कुत्तों की तरह, उन्होंने ऐसा पीटा है ना इनको। पापा मुझे तो यार अपनी टीम की मैनेजमेंट पे गुस्सा आ रहा है, क्या घटिया मैनेजमेंट है, एक जो वकार यूनुस जैसा वो कोच है तीन दफा फेल हुआ है, जो होते हैं आज उसी को टीम में डालते हैं। सिफारिशी बंदे हैं ना यार, ये नहीं पता आपको? मुझे तो पता है पापा, सिफारिश पे आते हैं हमारी टीम में, इसने तीनों दफा टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल वकार यूनुस ने बिल्कुल ये साथ में मिसबाह उलक भी साथ है इसके, अभी आप आमिर का हाल देख लेना। हाँ आमिर क्यों, मोहम्मद आमिर आप लोगों को पता है उसने रो दो के इस्तीफा दे दिया, वो कहते हैं कि भाई मुझे ये लोग खिलाते ही नहीं है, इसने तब इस्तीफा दिया है, उसने साफ बोला है कि वकार यूनुस और मिसबाह की वजह से मैंने रिटायरमेंट ली है। क्यों ली है? कि इस मैनेजमेंट के साथ मैं नहीं खेल सकता, ये खत्म होगी तब मैं ऐलान करूंगा कि दोबारा आता हूँ या नहीं। अच्छा हाँ, इंडिया की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वजह काम में, जो मैन इनके प्लेयर थे वो नहीं थे, तो तब भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उसके होम ग्राउंड में उसे शिकस्त दी। ये बहुत बड़ी फर्क था इंडिया के लिए, पापा बहुत बड़ी, उनकी पापा मैनेजमेंट अच्छी है बिल्कुल, और कैप्टन की सुनी जाती है बिल्कुल, जो कैप्टन है भाई, कैप्टन जो बोल देता है वही होता है, कैप्टन कहता है मैंने इस बंदे को इस मैच में खिलाना है तो ठीक है, नहीं तो मैंने और किसी को नहीं खिलाना, वो मैनेजमेंट भी मानती है बात बिल्कुल। इधर मैनेजमेंट कहती है भाई ये सिफारिशी टट्टू है, इनको लाओ जो सही प्लेयर खेलते हैं उनको, ये बताया इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को हर हर मास पे टफ टाइम देती है, हर टीम को दे सकती है, बिल्कुल देती है, इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है कि ये दुनिया की बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है इंडिया की, इंडिया की टीम में जितने प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर्स टॉप पे आते हैं बिल्कुल बिल्कुल, खाली कोहली है वो से देखें वो कितना जबरदस्त प्लेयर है बिल्कुल, और फिर उसके बाद बुमराह जो बॉलर है वो टॉप पे आता है बिल्कुल, अश्विन है वो टॉप पे आता है, और कितने प्लेयर हैं जो टॉप पे आ रहे हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उनका सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये इंडिया टीम वो कमाल बेहतरीन क्रिकेट टीम है बिल्कुल। और नीचे पापा अंडर 19 में भी अभी वो बता रहे थे कि बड़े बड़े नाम के कोचेज हैं, इधर आपको लगता है कि अंडर 19 में कोई कोच ऐसा है जिसका नाम? ओ यार इधर कोचों का हाल ही खराब है, जैसे जिसकी सिफारिश होती है उसे उठा के ले आते हैं, तो यही होता है ना पापा, और जैसे कोच क्रिकेट का लो पे भी नहीं पता होता वो भी कोच बन जाता है, यही बात इनको पता है वकार यूनुस में कुछ भी दम शाम नहीं है, उसको तीन दफा क्यों लगाया भाई, जारी बात है पैसा खा रहे हैं भाई, सिफारिश हो रही है और क्या हो रहा है, लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, टूर के वगैरह ले रहे हैं, हर चीज के अलग पैसे ले रहे हैं, ये नुकसान है, नुकसान कौम का भी नुकसान है तो बोर्ड का भी नुकसान। पापा टीम हमारी कहाँ चली, सातवें नंबर पे आ गई है, कहाँ पे पहले दूसरे तीसरे पे हमारा रैंक होता था, सातवें पे, ये दसवें पे भी जाएगी इंशाल्लाह, वो तो इन्होंने हार रखा हुआ है ये दसवें पे ही जाएगी, कोई शक नहीं पापा। यार कंग्रेचुलेशंस इंडिया को, बहुत बहुत इस चीज से मुबारक, हमें भी खुशी, मेरी तरफ से भी इंडिया की टीम को और पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। तो और उसको क्या कहते हैं पापा, मतलब देनी भी चाहिए क्योंकि यार हमारा मतलब साथ कंट्री, खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने बाहर की टीम को हराया है, और खुशी है दिल उसके होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।